نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه

इसलिए इनको ज़्यादा पढ़ा गया है और इकट्ठी तलावत करना मुनासिब समझा इनमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तशरी के साथ साथ तर्जमा कर लेंगे इन कि आप हज़रा को जैसा कि मालूम है कि पिछले दुरूस में यहूदियों की जो रविश है मुनाफिकाना रविश हर धर्मी वाली रविश नाफरमानी वाली रविश उसका बयान हो रहा है और मकसद उसका यह है कि ताकि मुसलमान अपना दामन इन यहूदियों वाली रविश से बचा सकें जिस रविश पर यहूदी चले कि कभी अम्बिया की औलाद थे कभी लाडले थे लेकिन नाफरमानियों की वजह से क्या हो गए अल्लाह ताला के मकजूब तरीन लोग हो गए और अल्लाह का ग़ज़ब हुआ फ़बाऊ बे गज़ब इन आला ग़ज़ब कलापरात ने सुना कि उन्होंने खरीद लिया अल्लाह का गज़ब पर गज़ब ख़रीद लिया आज अल्लाह तला फरमाें वहीदा किलहम कि जब उनको कहा जाता है कील उनको कहा जाता है आमिनु तुम ईमान ले आओ बिमा अल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया यानी ये जो कुरान करीम अल्लाह ताला ने नाजिल किया है इस पर ईमान ले आओ तालु तो वो बोले नबमिन बिमा उन ज़िला कि हम तो ईमान लाए हैं उस पर उन जो हम पर नाजिल किया गया था वय फ़ुरुन बिमा वरा और हम इनकार करते हैं बीमा वरा जो उसके पीछे है यानी जो उसके बाद जो भी किताब आ जाएगी हम तो उसका इनकार करने वाले होंगे और यहूदियों का यह दावा था कि तौरात के अंदर तालीम हजरत मूसा आलि सलाम की तालीमत में ये बात शामिल है कि मेरे बाद किसी पर ईमान न लाना और ये दावा यहूदियों का सरासर गलत था ना तो तौरात के अंदर ऐसी कोई बात थी और ना ही हज़रत मसाल सलात ने उनसे कोई ऐसी बात कही थी लेकिन वो झूठ घटते थे और ये बात कहते थे अल्लाह ताला तौ ताला फरमें <फ़ीवा> वहू अल्ह मुसद्दिकल्लिमा माहूम हालांकि हम जिसकी तरफ तुमको ईमान की दावत देते हैं कि इस कुरान पर ईमान ले आओ ये कुरान तो सच्चा है मुसद्दल्लिमा माहुम और तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है कि देखो ये तो तुम्हारे पास जो किताब है जो तौरात है उसकी तकजीब भी नहीं करता उसकी तनकीर भी नहीं करता जब ये उसकी तस्दीक करता है तो फिर तुम्हें ईमान लाने में क्या मसला है इस पर ईमान ले आओ और अगर तुम्हारा ये दावा है कि हम तो भाई तौरात पर ईमान रखते हैं और हम तोरात के अलावा किसी पर ईमान नहीं रखते तो अल्लाह तला ने उसके इस दावे को झुटलाया और फरमाया कि तुम्हारा ये दावा भी गलत है अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो ज़रा बतलाओ कुल ए नबी जी आप इनसे कह दीजिए फालिमा तखलू न अम्बिया अल्लाह के फिर तुमने अम्बिया को क्यों कत्ल किया अल्लाह के अम्बिया को कत्ल क्यों किया मिन कबल इससे पहले इन कुन तुम मिन अगर तुम तोरात पर ईमान लाने वाले हो भाई तोरात में तो नबियों के कत्ल करने का जिक्र नहीं था तो रात में तो तुम्हें यह हुक्म नहीं दिया गया था कि नबियों को कत्ल करो लेकिन तुमने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अम्बिया को कत्ल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने की कोशिश की हत्ता के जहर तक दे डाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश में एक दफ़ा मीटिंग के लिए बुलाया और साजिशें बनाई कि ऊपर से पत्थर लुढ़का देंगे भाई अगर तुमने तौरात पर ही मान लाए हो तो बताओ ज़रा तौरात में कहाँ हुक्म है कि अम्बिया का कत्ल किया जाए लिहाजा तुम्हारा ये दावा झूठा है कि हमने तो पर ईमान लाए और तुम्हारा तो हाल ये है कि वाला कद जकुमूसा के जब आए जब लाए मूसा ललात सलाम तुम्हारे पास बिलबीनाती वाज निशानियाँ सुत तखमुल इजला तुम लोगों ने बना लिया इजला बछड़े को माबूद बना लिया ममबाद ही हालांकि निशानियों के बाद जब निशानियाँ आ गईं मूसा सलातम के नबी होना ज़ाहिर हो गया फिरौन को तुम्हारी आँखों के सामने गर्क किया सलवा तुम्हारे लिए नाजिल हुआ बादलों ने तुम्हारे लिए साया किया उसके बाद जब तुम लोगों ने खुद मुतालबा किया कि हमें कोई कानूनी किताब चाहिए और हजरत मूसा मूसालीसलातम किताब लेने चले गए उसके पीछे से तुम लोगों ने क्या किया बछड़े को मबूद बना लिया वह अन तुम िम और तुम ही ाल यहूदियों तुम ही जालिम हो ये जो तुम्हारे दावे हैं कि हम तो क्या हैं भाई तोरात पर ईमान लाने वाले हैं तुम झूठे हो तुम जालिम हो तुम हरगिज हरगिज अपने दावे में सच्चे नहीं हो वै अखदना मीसा काम वरफ़ाना कुम तूर और जब हजरत मूसली सलाम उस किताब को ले आए जिसका मुतालबा तुम लोगों ने खुद किया था तो तुम लोगों ने उसका इनकार कर दिया और कहने ये लगे कि जो हमें आसान लगेगा मान लेंगे और जो मुश्किल लगेगा भाई उसको छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना और ज़रा याद करो उस बात को जब हमने तुमसे पुख्ता आहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर मौल कर दिया था कि बताओ ईमान लाते हो या इसको गिरा दूँ तो तुम लोगों ने फिर उसको ईमान भी लाया और माना भी खुद मत नाकुम बिकुआवी उस वक़्त कहा गया था कि खुदू ले लो उसको मजबूती से थाम लो जो तुमको दिया गया है बिकूवा मजबूती से मारू और सुनो इसको यानी इसको सुनो और जो इसके अंदर अहकाम हैं उन पर परमल करो कालू तुम लोगों ने बोला उन लोगों ने बोला यानी कि समयना व आसैन हमने सुन तो लिया व आसैना लेकिन नाफ़रमानी भी की यानि कह तो दिया ऊपर से समयाना और दिल में साथ ये कह दिया व आसैन हमने सुन लिया वह ना नाफरमानी की मानेंगे नहीं लिहाजा तुम्हारी तो रवि शुरू से यह चली आई है वह उशरीबू फ़ीक़ुलूबल जला बिकुफ़ रहीम और बछड़े की जो पूजा तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी गई ना तुम्हें पिला दी गई उश का माना होता है वैसे पिलाना गोया बछड़े की पूजा जो है उसकी मोहब्बत तुम्हें पिला दी गई बिकुफ तुम्हारे कुफर की सबब से कि जब तुमने इस तरह के अमाल किए जब तुमने कुफिया अमाल किए तो फिर तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बतें भी ऐसी ही कायम हो गई कुल बस समा ए नबी जी आप फरमा दीजिए क्या ही बुरा है यह मुरुकुम भी ईमान जिसका हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान इन कन तुम मुमिन अगर तुम ईमान वाले हो कि अगर तुम इस बात पर ईमान लाते हो कि नबियों को कतल करेंगे ऐसे जुटलाएंगे तकजीब करेंगे तो फिर तो तुम्हारा ईमान तुमको बड़ा ही बुरा हुक्म देता है बिल इकानत लकदार आखिर ए नबी जी आप इनको फरमा दीजिए इनकानत लकम्दार अगर तुम्हारे यहाँ है आखरत का घर आंद के यहाँ खालिता खालिस तौर पर मंदू नन्नास लोगों के अलावा यहूदियों का यह दावा था ना कि जन्नत में सिर्फ और सिर्फ हम जाएंगे हमारे अलावा और कोई नहीं जाएगा अब अल्लाह तुनको इस दावे में भी कहा चलो इस दावे में परख लेते हैं क्या नबी जी आप इनसे ज़रा कह दीजिए कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि अल्लाह के घर जो है आख़रत का घर वो अल्लाह के पास सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं है लोगों में से मंदू नन्नास और किसी का नहीं है तो फिर ऐसा करो फता मन्ना वमऊ तनकन तुम सादिकीन तुम जरा मौत की तमन्ना तो करो अगर तुम सच्चे हो हज़ूर सल्ला वम ने फरमाया कि अगर ये क़ुर करीम के इस चैलेंज को कबूल करते और मौत की तमन्ना कर लेते तो इनके ऊपर उसी वक्त मौत आ जाती लेकिन चूंकि यहूदी भी जानते थे यहूदी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं उनको यह मालूम था कि अगर हमने नबी का कुरान करीम का चैलेंज कबूल किया तो हम हलाक हो जाएंगे लिहाजा उन्होंने कभी भी चैलेंज कबूल नहीं किया वलैया तमन्न अल्लाह फरमाते हैं वलहीं तमन्नऊँ हरगिज़ वो इसकी तमन्ना नहीं करेंगे आबादन कभी भी कभी भी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे बिमा कददमत ए और तमन्ना करें भी कैसे बिमा कदमत ए दी बसब इसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा है कि उन्होंने करतूतें ऐसी की हैं उन्होंने आमाल ही ऐसे किए हैं कि उन आमाल से डरते हुए मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते मेरे भाइयों ये वो बातें हैं जो आज हम मुसलमानों को भी देखने की ज़रूरत है कि आज हम जरा अपने अंदर अपने नस में ये बात देख लें कि हम मौत से कितना डर रहे हैं और किस लिए से डर रहे हैं अगर तो बंदे ने आखरत के लिए तैयारी कर रखी हो ना और वो आखरत की ही तगोदो में लगा हुआ हो आखरत की ही उसको फिक्र लगी हुई हो यकीन करें वो फिर इस दुनिया को जेल खाना ही समझता है और हदीस पाक में आया दुनिया सजनिन ये दुनिया तो ममिन के लिए क़ैद खाना है अब भाई कौन बंदा है जो कैद खाने में रह खुश रह रहा हो कैद खाने में रहना कोई पसंद नहीं करता और मौत जो है वो तो अल्लाह ताला ये हदीस है मौत तो अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है अगर आज हमारे दिलों में मौत का खौफ है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पुल के बार दुनिया है ना हमने उसके लिए कुछ भेजा नहीं है हमने फिर यहूदियों की तरह देखे ना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हरगिज़ ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे किस लिए बिमा कद्दमत दही इनकी करतूतों की वजह से अगर भाई हमारे आमाल अच्छे हों और अगर हम अच्छे अहमाल करने वाले बन जाएँ तो फिर आज मौत से इस तरह ना डरा जाए जिस तरह मौत से डरा जा रहा है इसका यह मतलब भी नहीं है कि मौत की बंदा तमन्ना करे मौत की तमन्ना भी मना की गई है लेकिन मौत से यूं डरे भी नहीं मौत से यूं भागे भी नहीं जिस तरह हमारे अहवाल हो गए हमारे अहवाल महज इसलिए हैं कि हम दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं वर हज़ूर सल्ला वसम ने फरमाया कि तकालीफ में आकर मौत तलब ना करो बल्कि ये दुआ करो या अल्लाह जी अगर मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है तो मुझे ज़िंदगी अता फरमा और अगर मेरे लिए मौत बेहतर है यानी कि मेरे अमाल आगे ऐसा हो सकता है बाजत के बंदा कोई गुनाह का काम करे तो फिर क्या हो जाए भाई उससे मौत बेहतर है और अगर आगे नेकियां शामिल हों कि उसकी ज़िंदगी में भी मजीद नकिया नहीं उसने नक काम करने हैं तो फिर ज़िंदगी बेहतर है लिहाजा इस तरह से किया जाए और हज़रतली रजी अल्लाह त एक मरतबा जंग में चोगा पहना हुआ था एक ज़रा होते है ना ज़रा जो जिस तरह बुलट प्रूफ होती है वो कटती नहीं है तो चोगा पहना हुआ कपड़ा उनके बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ने कहा अब्बा जान ये तो जंगी लिबास नहीं है आपने ज़रा भी नहीं पहनी हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम तो मौत के हम तो शहादत के शौकीन हैं कि ना तो मैं मौत के ऊपर गिर सकता हूं और ना मौत मेरे ऊपर गिर सकती है जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए और हम तो खुद शहादत के शौकीन हैं तो भाई जब जज्बा होता है ना आखरत का जब आमाल के होते हैं जज, जब आमाल के होते हैं आखरत के लिए तो फिर बंदा जाता है कि ज़रा हम देखें तो सही जो हमने आखरत में घर तैयार किया है अपना उसको देखें देखें ना यहां पर अगर कोई शख्स करोड़ों रुपए लगा कर कोई घर बना ले तो क्या उसका दिल नहीं करता है, है? मैं जाके उस घर को तो देखूँ लेकिन दिल तो तब करे ना जब बनाया हो और जब बनाए कुछ ना हो तो फिर बंदा कहता है इधर ही बैठे रहते हैं चाहे झोपड़ी है चाहे कुछ भी है लिहाज़ा अपने आमाल हम सबको दुरुस्त करने की ज़रूरत है अल्लाह ताला रहे हैं वल्लाहु आलिम बज़ालिमिन अल्लाह ताला खूब जानते हैं जालिमों को वला वलन्सन्ना अला हया और अगर वो वलत जीदन नहुम और ए नबी जी आप उनको पाएंगे आ रसन नासी दुनिया की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा लालच अला हया दुनिया की ज़िंदगी पर लालची पाएंगे हरीस पाएंगे अल्लादीन अशरकु और उन लोगों को भी जिन्होंने शिरक किया अहदुहुम उन उनमें से हर एक चाहता है लो युअम्मरु अमरुल्फ़ाना कि उसको मिल जाए हज़ार साल उम्र कि हज़ारों साल उम्र मिल जाए आज अगर हम अपने अमाल को देखें ना जिस तरह हम दुनिया में लगे हुए हैं जिस तरह दुनिया को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कोई फ्रॉड कोई झूठ कोई धोखा किसी का माल गसब कर लिया बहनों का माल गसब कर लिया ठीक है भाई रिश्तेदारों का माल गसब कर लिया ये गोया हम भी यही चाह रहे होते हैं कि हमें कोई हज़ार साल या तो मिल गई है या फिर मिल जाए कि जो कुछ हम इतना कुछ इकट्ठा कर रहे हैं ना ये कभी ख़त्म ना हो वमा हुआ बिमुज़ा ज़िहि ही अल्लाह रहे हैं वमा हुआ अभी बिमु जी और ये जो हज़ारों साल की उम्र है ना ये भी उनको नहीं बचा सकती मिनल आदाबी अल्लाह के अजाब से आई अमर अगर उनको ये उम्र दे भी दे दे भी दी जाए तो फिर भी एक दिन तो ख़त्म हो ही जानी है वल्लाहु वल्लहुब बिमा आमलून और अल्लाह ताला ख़ूब देखने वाले हैं बिमा आमलूँ जो वो अमल करते हैं दुआ फरमाएँ अल्ला हम सब कोीम का फ़ाहम नसीब फ़रमाए और कुराने करीम पर आमल नसीब फ़रमाए आखिर रबालमिनतमती या हमीन यादल जलाक्राम जी हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़र्मा